दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सुबह 11 बजे वाला वीडियो आप देख रहे हो, सुबह 6 बजे भी एक वीडियो हमने दिया था, साथ ही दोपहर को 3 बजे भी आएगा, शाम को 7 बजे भी आएगा। आप लोग चाहते हो सच्ची खबरें पाना तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लीजिए, समय समय पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है राजस्थान की बहनों के लिए, और ऐसा नहीं है कि बाकी के राज्य के भाई बहन वीडियो छोड़ करके चले जाएं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि समझना सब कुछ यहीं पर है कि हमारे बुनकर जी ने क्या कहा इस वीडियो में, वो क्या समझाना चाहते हैं अपने राज्य के यूनियन को भी, और बाकी के लोग भी इस पर ध्यान दें। सभी यूनियन वाले और सभी आंगनबाड़ी बहने भी अपना इसी तरीके से अच्छा नेता चुनो, क्योंकि जब तक कोई आपका लीडर अच्छा नहीं होगा, जीत आपको नहीं दिला पाएगा। बुनकर जी के प्रयासों से यहां पर राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी सहायिका मिनी आशा रसोईया ग्राम साथिनी, इन बहनों को नियमित करने के लिए बोला है। नियमित करने को लेकर के सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले आदेश ही दिखा दूं। ये देखिए सरकारी आदेश है, 29 जुलाई को निकला है, और ऐसे में सब बता दें इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, प्रशिक्षण अवधि क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी, आरक्षण क्या रहेगा, यानी अभी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उस ट्रेनिंग के दौरान आंगनबाड़ी सहायिका मिनी आशा रसोईया ग्राम साथिनी इनको जो है नियमित किया जा रहा है। तो इस सबके बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे आपको क्या क्या करना, कैसे ट्रेनिंग होगी, क्या क्या सब कुछ होगा, पूरा वीडियो आएगा, सब बताया जाएगा। आप लोग बस ऑल इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल दबाओ और पूरी खबरों को देखा करो, समय निकाल करके जो भी भाई बहन है। अभी हम सबसे पहले आपको यह वीडियो दिखाएंगे जो हमारे छोटेलाल बुनकर जी कुछ कहना चाहते हैं। पहले हमारे भाई की तरफ से भेजा गया जो वीडियो है वो आप सुनिए, इसमें भाई क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बिहार में CU2 यूनियन वालों का धरना कैसा है, यहां पर बहने जो मुट्ठी बने प्रदर्शन कर रही है, क्या इनके प्रदर्शन करने से, वो भी इस तरीके से प्रदर्शन करने से यानी विरोध करने से, क्या इनकी मांगे मानी जा सकती है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, पहले बुनकर जी का वीडियो देखिए। सैल्यूट, मैं छोटेलाल बुनकर, संस्थापक प्रभारी अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ, हम सभी कार्यकर्ता आशा सेविका ग्राम साथिन सहायिकाओं को बताना चाहते हैं, आप सबके सब नियमित राज्य कर्मचारी बनोगे, इसलिए अपने को संगठित होकर एकता बनाकर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है 2 लाख की संख्या बिखर जाएगी तो अपना जो है राज्य कर्मचारी बनाने में दिक्कत आएगी। हम आपको बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जो है ना वसुंधरा जी की रही है, उस समय हमने उनसे आग्रह किया था, आप देख सकते हो जो है इसमें नियमित राज्य कर्मचारी बनाने का जो है उन्होंने उल्लेख किया कि हम जो है कमेटी बनाएंगे, कमेटी के माध्यम से नियमित राज्य कर्मचारी बनाएंगे। बाकी नियमित राज्य कर्मचारी नहीं बनाया, बल्कि हमने नियमित राज्य कर्मचारी की बात उनके सामने रखी तो बजाय नियमित राज्य कर्मचारी हमारी बहनों पे राजस्थान में 500 महिलाओं को मानदेय सेवा से हटा दिया, सैकड़ों महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। वर्तमान सरकार जो मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत साहब की सरकार बनने के बाद में वो सारे मुकदमे वापिस करवाए। हम जो है आज अपने चर्चा का जो विषय था मानदेय सेवा से नियमितकरण का, तो हम कहना चाहते हैं तमाम राज्य कर्मचारी आप सब बहने बनेंगी, इसके लिए अपने को एकता का परिचय देना है। हम आपको बताना चाहेंगे नियमित राज्य कर्मचारी बनाने के लिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र आप देख सकते हो इसको, और आप जो है इनमें जो वादा किया है वो भी आपको हम बता देते हैं। नियमित वादा करने का, नियमित राज्य कर्मचारी बनाने का जो है ये वादा किया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें कहा है कि हम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सेविका ग्राम साथिन को नियमित राज्य कर्मचारी बनाने में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करते हुए हम इनको नियमित राज्य कर्मचारी बनाएंगे। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम नियमित राज्य कर्मचारी आप बनोगे, तो दिल और दिमाग में आपको बैठना पड़ेगा कि हमें नियमित राज्य कर्मचारी बनना है। इसके लिए आज और अभी से चारों हमारे जो है परिवार के सदस्य, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सेविका ग्राम साथिन जो है, जब तक आप नियमित राज्य कर्मचारी नहीं बन जाओ जब तक आपको एक रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अपनी 2 लाख की संख्या जो बिखर जाएगी। और ये फायदा जो है ना तमाम संगठन वाले, राजनीतिक पार्टी वाले भी ये चाहते हैं कि अब इनकी संख्या बिखरे, और ये कयावत चल गई है, क्योंकि उनको पता है कि जो है बुनकर जी के रहते हुए ये संगठित जो है अगर रह जाएगी तो राज्य कर्मचारी बनेगी, और ये फायदा राजनीतिक पार्टी किसी को भी मिल सकता है। और जैसे मैं हमको बताएं, आपको जो है ये घोषणा पत्र जारी होने के बाद में हमने ये अपील जारी की थी, तो हमारी तमाम आंगनबाड़ी बहनों ने जो है कांग्रेस पार्टी को
समर्थन दिया और सरकार भी बन गई। फिर भी हम आपको ये कहना चाहते हैं, सरकार सरकार होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से कितना स्नेह करती है, पर जब बच्चा रोता नहीं है, जब तक वो स्तनपान नहीं कराती है, तो हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत साहब ने जो मुख्यमंत्री है, अपने वादे को निभाते हुए ये जो है परिपत्र जारी किया है, इसको आप देख सकते हो। बीडी कल्ला साहब के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें बीडी कल्ला साहब है, ममता जी भूपेश है, गोविंद जी टोडासरा है, जो आपके जो है वर्तमान कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी है, अशोक चांदना जी है, ये कमेटी बनी हुई है। तो ये कमेटी की जो है 5 बार मीटिंग भी हो गई है, आपको जानकारी दे दें, और तमाम जो है सारे आंकड़े सरकार के पास में आ चुके हैं, भाई राज्य कर्मचारी बनाने में कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, ये सारी बातें जो है इसमें पहुंच चुकी है। तो अपने को सरकार सरकार होती, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि 2 लाख की संख्या है, तो अपन जो सरकार को जगाने का काम किया कि साहब आपने वादा किया तो नियमित राज्य कर्मचारी बनाओ हमारे को, तो इसमें जो है नियमित राज्य कर्मचारी बनाने के लिए भाई आपके क्या विचार हो सकते हैं। तो हमने तमाम से देखा था, भाई 5 महिलाओं को हम जिक्र करेंगे, नाम का संबोधन करेंगे। तो हमारे पास झालावाड़ से आशा सोगिन है चारू लता, उन्होंने जो कहा कि साहब हमारे को एक कैडर बनाकर जो है आशाओं का एक कैडर बनाया जाए और हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। और जयपुर से है जो सरिता शुक्ला है, ये आशा सोगिन है, उनका कहना कि मेडिकल विभाग में जो है हमें जोड़ दिया जाए और हमारे को नियमित करना चाहिए। तारावती वर्मा केकड़ी से है, उनका कह रहा है कि 25 साल से कार्यकर्ता काम कर रही है और 16 वर्ष से जो आशा सेवकिन काम कर रही है, अब तो सरकार को जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए, उनका जो है ऐसा कहना है। भारती चौधरी जो है कोटा से है, इनको कहना कि मानदेय भले हमारे को मानदेय से नियमित राज्य कर्मचारी बनाने के लिए वेतन संकला चाहिए, हमारे को कम दे दे, बाकी हमें नियमित राज्य कर्मचारी बनाना चाहिए। और करौली से हेमलता है, उनका कहना कि वेतन भले कम दे, चाहे चपरासी के बराबर हमारे को मानदेय दे, बाकी राज्य कर्मचारी सरकार को बनाना चाहिए। तो हम आपको पुनः कहते हैं, आपकी संख्या बल को देखते हुए, मेरे जीवन का अनुभव देखते हुए, आपका जो है राज्य कर्मचारी बनने के लिए आज से और अभी से आपने परिवार की सेवा की, पड़ोस की, जनता की सेवा की है, विभाग की सेवा की है। मैं कहता हूँ आज से और अभी से अपने जीवन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर जो है क्या रहेगा। हम चाहते हैं आप सारे के सारे नियमित राज्य कर्मचारी बनो, और रिटायरमेंट के बाद में मेरी भावना है, रिटायरमेंट होने के बाद में हमारे आंगनबाड़ी वर्कर किसी के पास हाथ नहीं फैलाए, उसी के से उम्मीद करें। और परिवार का व्यवस्था आप जानते हो, जीवन के अंतिम पड़ाव में कोई निहाल नहीं करता, अपना कमाया हुआ पैसा, अपना पास जो तजुर्बा रहेगा, पैसा रहेगा, अगर आपको पेंशन मिलती है तो उससे आपका गुजारा अच्छा भला चल जाएगा। तो मैं आज के एपिसोड में इतना ही कहेंगे, आप सब राज्य कर्मचारी बनोगे और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको सैल्यूट, नमस्ते, जय संगठन, जय भारत। भाइयों बहनों, आप सबने जो है वीडियो देखा, राजस्थान से बुनकर जी हैं, वो किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, बिहार यूनियन में है ये आंगनबाड़ी बहन और ये है सीटू यूनियन से। अभी राजस्थान से वो बुनकर जी थे, वो अलग थे, उनका यूनियन अलग है, ये है आपके सीटू यूनियन से। और सीटू वालों की दास्तान आप लोगों को मैंने कदम कदम पर दिखाए हैं। आज फिर आप देखिए, ये सीटू यूनियन से बिहार की बहने हैं, जरा इनके साथ जो भोली भाली बहने हैं वो सोचे वो किसके साथ में है। ये जो बीच में बहन है ये हंसकर के विरोध कर रही है। भाई विरोध हंसकर के नहीं किया, हमारे सामने यदि समस्याएं हम अपना विरोध करते हैं, ऑल इंडिया खबर दिखाता है, तो यहां पर क्या हंसकर के आपको बताएगा। अब ये बहन विरोध कर रही है, वो भी हंसकर के, मतलब इनको हंसी आ रही है। क्या ये विरोध जायज है? क्या इससे जरा सा भी सरकार पर दबाव बनेगा, या फिर इनका ये विरोध जो है जरा से भी आंगनबाड़ी बहनों के जीवन बदल सकता है, या इनके इस तरह के प्रयास आंगनबाड़ी का जीवन कभी बदल पाएंगे? इस तरह से विरोध करना चाहिए क्या? हंसना चाहिए? आप लोग देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये सिर्फ ऐसे जो है खाना पूर्ति टाइप का रहता है, चलो झंडा उछालो और चलो वहां पर पहुंच जाएंगे, मजा टाइप का लिया जाता है, मनोरंजन हो गया, बस चले आओ घर, ये है। वरना विरोध ऐसे नहीं होते हैं, विरोध में सच्चाई झलकती हो आपकी बातों में, आपके चेहरे से तो मजाक झलक रहा है कि आप जो है हंसी ठिठोली कर रही है। बताओ, अभी ने तो हंसी आ रही है, अब आप सब खुद सोचो क्या ऐसे हंसने से और विरोध करने से सरकारों पर आप दबाव बना लोगे? क्या ऐसा संभव है?
खुद से सोचिए। अब आप सब भाई बहन बताओ, क्या इनका ये हंसना विरोध प्रदर्शन के टाइम पर सही होता है क्या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इन्हें पहले अपने जो तरीके हैं विरोध करने के उनको बदलना होगा, सबसे बड़ी बात ये। क्योंकि बिहार सरकार में थोड़ा छवि दिखा दूं, ये है नीतीश कुमार जी बिहार के। अब इन्होंने फैसले जो किए आप सबने देखे, ऑल इंडिया कदम कदम पर हर एक चीज को आपको दिखाता है। 15% की बढ़ोतरी शिक्षकों के वेतन में पहले कर दी, उसके बाद एक ऐलान कर दिया कि अब केवल बिहार वाले ही शिक्षक बन पाएंगे, बाहर के राज्य आकर के कोई शिक्षक नहीं बनेगा। एक वो मैटर, इनको छोड़ो, भाजपा सरकार जहां जहां पर है उनके बैठे मंत्री हो या भाजपा में बैठे अमित शाह जी हो, उन्होंने क्या कहा था, एक लंबा जुमला पहले फेंका था, बोले थे नौकरियों को लेकर के, बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा इसी भाजपा सरकार में आई है, तमामों को नौकरी से निकाला, तमामों को इधर उधर कर दिया। अब रेल मंत्री ने भी बोला था कि नौकरियां जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बताओ, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर ध्यान नहीं है, नौकरियां चली जाएंगी तो अर्थव्यवस्था बचेगी, यानी पैसा ही किसी को देना नहीं पड़ेगा। नौकरियां किसी को देना नहीं चाहते, रोजगार देना नहीं चाहते, उल्टा छीना जा रहा है, आंगनबाड़ी बहनों को जबरन हटाया जा रहा है, आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन नहीं दी जा रही है, लेकिन नेता विधायक सांसद इनको पेंशन और भत्ते सब मिल रहा है। ये सब सवाल आप लोगों के क्या मन में नहीं आते? आते हैं तो इनका जवाब ढूंढो ना। तो वही चीज ये है, आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी हम सब जो छुप है। ये जो लेटर है, जो सरकारी आदेश है राजस्थान की बहनों, आप सबके लिए है और बाकी के राज्यों के भाई बहन भी, आप लोग देखना, एक वीडियो में हम लेकर के आएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे नियमित पर हमारी बहनें जाएंगी, क्या क्या प्रशिक्षण ट्रेनिंग टाइप का जो चलने वाला है उसमें क्या भी होगा, सब बताएंगे। मेरे पास आदेश आ चुका है, अगला वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए मैं ये आपको समझा दूं, भाजपा सरकार की प्रथम नीतियां यही है कि रोजगार खत्म करो, पैसा देना ना पड़े और पैसा बचेगा वो अपना लगाओ, बाकी निजीकरण तो आप देख ही रहो, सब कुछ बेचे ही जा रहा है, प्राइवेट सेक्टरों को बेच दो, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको सब कुछ बेचा जा रहा है। अब फिलहाल के लिए नीतीश सरकार के भी कारमाने कुछ ऐसे हैं। अब ऐसे नीतीश सरकार में जो दो दो साल से बिहार में पैसा बकाया है आंगनबाड़ी नई भर्ती वालों का, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, उनके वेरिफिकेशन को लेकर के यूनियन को प्रयास करने चाहिए, कहीं कुछ नहीं। ऐसे धरने में जाओ, ऐसे हंसो मुस्कुराओ, दा विरोध करो, ये विरोध कहलाता है क्या? ऐसे विरोध नहीं होता है। मैंने देखे हैं विरोध झारखंड में, झारखंड जो सीटू यूनियन से नहीं है, वो हमारे झारखंड के दूसरे भाई हैं, प्रेम भाई जी हैं, उनके यहाँ बड़े भाई जी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनका भी यूनियन है, वो भी जो है उन सब ने प्रयास किए, मैंने देखा है बाहरों ने कैसे कैसे जो है अपना प्रयास किया है, क्या क्या जो उनको मेहनत करनी पड़ी है, लाठियां बिखाई सब कुछ हुआ है। अब प्रयास प्रदर्शन ऐसे होते हैं ना कि जो यहां पर हंसो मुस्कुराओ, अरे कम से कम मुस्कुराओ ही ना, कम से कम गंभीरता पूर्वक लगे कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तभी आप जो है अंदर से फीलिंग आएगी। इनको शायद टेंशन ही नहीं, क्योंकि ये तो यूनियन में है, यूनियन में पद होगा, बहनों का साथ होगा, इतनों का 100-100, 200-200, 500-500 शायद ले होंगे, बस बैठ गए, पहुंच गया आराम से, अपना काम हो गया। तो यही सब चीजें हैं, समझना है अपने लिए, अच्छा नेता चुनो, नहीं चुन पाओगे तो ऐसे ही चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, फिर आप बस ऐसे ही चक्कर काटो, फला चैनल देखो, ये चैनल देखो और पूछो भैया मानदेय बढ़ेगा कि नहीं, भविष्य में बढ़ेगा कि नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि आप गलत जगह पे हो, आपका प्रदर्शन ही सही नहीं है, आपका प्रयास ही सही नहीं है। जब प्रयास ही सही नहीं होगा तो नतीजे कहां से निकल के आएंगे? कोर्ट में गए 2012 में, उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं निकला। आज भी जाएंगे क्या निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके नियम कायदे कानून क्या हैं, उनकी नियतियां क्या हैं, ये हमको क्या पता, आपको क्या पता, वो कल की तरह आज भी जा रहे होंगे तो क्या कुछ बदलाव हो जाएगा? नहीं होगा। तो सोचिए और समझिए, अब ये सरकारें हैं जो कहती हैं कि पकौड़े तलो, रोजगार नहीं दे पाएंगे, अब ये सरकारें हैं जो नौकरियां खत्म कर रही हैं, हर जगह निजीकरण कर रही हैं, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, ये सब कुछ चारों तरफ देख रहे हो, हर एक विभाग में निजीकरण, ये कह रहे हैं रेल मंत्री हैं और बता रहे कि हैं नौकरियां चली जाएंगी तो अच्छा रहेगा, अर्थव्यवस्था बची रहेगी, वाह भाई वाह, क्या बात कही है, अरे फैक्ट्री लगाओ, इधर उधर लोगों को काम दो, रोजगार दो, और ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। लेकिन नहीं, इनका बस का नहीं है, इनको बस क्या करना है, हमारी इन सरकारों को देश में जो भी है उसको बेचो, उसको जो है प्राइवेट सेक्टरों के हवाले कर दो, इनको बेच दो, उनको बेच दो, उनको बेच दो, बस यही करो, सब कुछ बेच दो, जब कुछ ना बचे, खोखला हो जाए तो भाग चलो यहां से उठ करके, ये सब करना है। मैं नहीं कहता कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं हूं अपना देश का देशभक्त, मैं समझता हूं क्या चल रहा है देश में, मैं कभी नहीं कहता कि आप जाओ कांग्रेस के पास, अरे उनके पास तो अच्छा वही नहीं है, मतलब क्या उनकी तो छवि पहले से सोशल मीडिया ने ही खराब कर रखी है, उसमें गंदी छवि दिखा करके, और वैसे भी कुछ उनके बयान भी बेतुके रहते हैं, कभी चंद्रमा पर आलू कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, तो हम ये नहीं कहते वो हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन हम ये भी जानते हैं जो है सत्ता में ये भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं सबको निजीकरण हवालों करके। अब गरीब जनता क्या करेगी, बच्चों को कहां से पढ़ाएगी, जो पढ़े लिखे जो इनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को जो स्मार्टफोन दे करके ऑनलाइन शिक्षा चलवा रहे हैं, जो गरीब है वो कहां से फोन खरीदे, कोई अपनी बकरी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ये सब कुछ कब तक चलेगा भाई, कब तक सहोगे आप? तो हम समझाना चाहते हैं आंगनबाड़ी बहनों, आपकी समस्याएं सॉल्व तभी होंगी जब आप अपने लिए एक अच्छा यूनियन
चुनोगी और अच्छा चुनने का मतलब जो आपके लिए हर चीज को कहे बताए उसके बाद अपना वीडियो भी जारी करे। जैसे अब देखिए बुनकर जी ने वीडियो डाला अपना, उन्होंने बताया बहनों ये सब हुआ है, प्रदर्शन यहां तक हुआ है और स्थायीकरण को लेकर के बातें चल रही है, चलो अच्छा है प्रयास करो। जब तक उनका यह भी कहना जब तक जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लड़ेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा, तो अच्छी बात है। ऐसे प्रयास करते रहो सभी भाई बहन जो भी जहां जहां राज्यों से हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, आप सबको भी समझना होगा, आंगनबाड़ी बहनों हो या यूनियन वाले हो, प्रयास करिए तो सही करिए ताकि बहनों को कुछ मिले। ऐसे कब तक आप बहनों को गुमराह करोगी कि 500 की नौकरी पर आप लगी थी बहनों आज 5000 मिल रहा है, ये यूनियन की मेहनत है। अरे ये यूनियन की मेहनत नहीं है, इतना तो जूठन जाठन बोला जाता है कि समय बदल रहा है तो थोड़ा थोड़ा बदल गया, बाकी ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। मेहनत तब होती है जब आपने 10-12 हजार दिलवा दिए होते जैसे अन्य अन्य राज्यों में मिल रहा है। तो यही चीज है कि प्रयास करो और अभी नहीं कुछ हुआ है तो आगे के लिए करो, प्रयास करो। फिलहाल जो गलतियां पिछली हो चुकी हैं उन पर मिट्टी डालो, लेकिन आगे अच्छे जो है तरीके से बढ़ो तो शायद कुछ बदल जाए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, दोपहर का 3 बजे भी वीडियो आएगा। मैं आपको फिर बता दूं सुबह 6 बजे और सुबह 11 बजे, दोपहर के 3 बजे, शाम के 7 बजे 4 वीडियो आते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब में जितनी ज्यादा हो सके जितनी जल्दी से मैं लोगों को जागरूक कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा बहनें जुड़े और उनको भी पता चले क्या क्या हो रहा है और हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपना अच्छा नेता चुनना होगा, उनका साथ भी देना होगा, कदम से कदम मिलाकर के आपको चलना होगा, वरना आप अलग अलग रहोगी तो कुछ भी संभव नहीं है। और यह भी आपको पहचानना होगा कि ऐसे भी लोग जो विरोध तो कर रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं, अब इनका विरोध किसी काम का नहीं है। अरे जो सरकारें ऐसी हैं जिनके सामने लाठी तक पर खा जाती हैं बहनें, तब तो सरकारें सुनती नहीं है, बहनें रोती हैं, बच्चों को पीठ पर लात लात करके ले गई। झारखंड में मैंने देखा है, मैंने उत्तराखंड में बहनों को देखा है, वहां पर एक आर्या बहन ने धरना किया, 2-2 महीने सर्दियों में बैठी रही, तबियत भी खराब होती बहनों की। लखनऊ में आपने देखा बहनों ने धरना किया, हर जगह धरने होते हैं। मेहनत अलग है यानी प्रदर्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ अपने फायदे के लिए करते हैं कि चलो नाम चमकाना है चंदा वसूलेंगे इसी बहाने चले आएंगे, कुछ होते हैं जो वाकई में मेहनत करते हैं। तो जो वाकई में कर रहे हैं ना उनको पहचानो, उनके साथ रहो। मैं फिर कह रहा हूं पिछली बार भी सीटू यूनियन का मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक महोदय बोल रहे थे आंगनबाड़ी के लिए एक शब्द नहीं, तमाम तमाम विभागों के कर्मचारी मजदूरों सबके लिए बोल दिया। धरना आंगनबाड़ी का था, भीड़ आंगनबाड़ी की थी, सब आंगनबाड़ी खड़ी थी, लेकिन बोल किसी और के लिए वो रहे थे। अब तब भी आंगनबाड़ी बहने उनके साथ है, मुझे समझ नहीं आता कैसी लाल पट्टी है जो अपने आंखों पर आपने बांध रखी है। मैं किसी भी यूनियन का सपोर्टर नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं हम उसी का सपोर्ट करते हैं जो सच्चाई से आंगनबाड़ी की मेहनत करता है। सीटू कल को करे, अपनी बातों को सामने रखे और उसमें लगे कि हाँ कुछ कर रहा हूं आंगनबाड़ी बहनों की, तो हम माने। उनकी मुख्य मांगों में मांगे अलग होती हैं, अन्य मांगों में आंगनबाड़ी की डाल देते हैं। ये सब कब तक आप धोखा दोगे और किसको दोगे? आंगनबाड़ी बहनों को, कभी ना कभी तो जागेंगी सीखेंगी। तो हम चाहते हैं आप भी जागो और लोगों को